सी एन एक सीक्वेंस है, सी एन इक्वल्स टू वन बाई एन इंटू वन माइनस साइन वन इंटू कॉस वन बाई एन प्लस वन बाई एन वन माइनस साइन हाफ इंटू कॉस वन बाई एन माइनस वन अप टू वन बाई एन वन माइनस कॉस वन बाई एन इंटू कॉस वन। अच्छा यहाँ पे देखो वन बाई एन वन बाई एन वन बाई एन ये सब कॉमन है, तो एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन दे देते हैं। तो सी एन इक्वल्स टू वन बाई एन एंड यहाँ पे है वन माइनस साइन वन, वन माइनस साइन वन इंटू कॉस वन बाई एन, इसके बाद जो टर्म है वो है वन माइनस साइन हाफ इंटू कॉस वन बाई एन माइनस वन। अच्छा इसके बाद जो टर्म आएगा वो होगा वन माइनस साइन वन बाई थ्री इंटू कॉस वन बाई एन माइनस टू। अच्छा तो देखो यहाँ पे साइन व हाफ वन है, इसके बाद है हाफ, इसके बाद वन बाई थ्री, तो ये जो एंगल है वो डिनोमिनेटर पे एक एक करके इंक्रीज कर रहा है एंड कॉस कॉस है वन बाई एन, वन बाई एन माइनस वन, इसके बाद वन बाई एन माइनस टू एंड कॉस के साथ जो एंगल है वो है इसका ये डिनोमिनेटर पे एक एक करके डिक्रीज कर रहा है, साइन साइन पे इंक्रीज कर रहा था वन टू थ्री हो रहा था एंड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अच्छा तो यह ये अप टू है वन माइनस साइन वन बाई एन, तो साइन सॉरी साइन वन बाई एन एंड कॉस है वन। अच्छा तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो वन से स्टार्ट होके मीन्स डिनोमिनेटर पे वन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे वन है तो वन टू थ्री वन से स्टार्ट होके एन तक जाएगा, ठीक है। एंड कॉस का साथ जो एंगल है डिनोमिनेटर पे देखो वन से स्टार्ट होगा सॉरी एन से स्टार्ट होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये डिक्रीज होके एन तक आएगा सॉरी वन तक आएगा, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम वन माइनस साइन वन बाई एन, ये मान लो एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है। अब बी एन एक सीक्वेंस है, बी एन क्या है कॉस वन बाई एन। अच्छा अगर ए एन ये सीक्वेंस है एंड बी एन है ये सीक्वेंस, तो हम सी एन को इस तरह से लिख सकते हैं, तो सी एन इक्वल्स टू वन बाई एन इन टू एन की जगह वन रखो तो होगा ए वन एंड ये क्या है ये है बी एन, इसके बाद एन की जगह टू रखो तो होगा ये ए टू एंड बी की जगह रखो बी सॉरी एन के यहाँ पे एन के जगह एन माइनस वन रखो तो बी एन माइनस वन, तो बी एन के जगह एन माइनस वन रखोगे तो होगा कॉस वन बाई एन माइनस वन, देखो ये है। इसके बाद अगर आप एन के जगह यहाँ पे एन के जगह थ्री रखोगे ए थ्री, ए थ्री है ये एंड बी यहाँ पे एन के जगह एन माइनस टू रखोगे तो होगा वो कॉस वन बाई एन माइनस टू, देखो ये है। तो ये है बी एन माइनस टू। अच्छा एंड अप टू ये जो सीक्वेंस है ये है बी सॉरी बी नहीं ए एन एंड ये क्या है कॉस वन, एन के जगह वन रखो तो होगा बी एन बी एन बी एन सॉरी बी एन नहीं बी वन, बी वन इक्वल्स टू क्या होगा कॉस वन, ये है कॉस वन। अच्छा तो अब देखो सी एन इक्वल्स टू क्या है वन बाई एन इंटू ए वन इंटू बी वन, ए टू इंटू बी एन माइनस वन, ए थ्री इंटू बी एन माइनस टू, तो ये देखो ए ए जो है ना ए इंक्रीज कर रहा है ए वन ए टू ए थ्री एंड बी एन जो है वो डिक्रीज कर रहा है बी एन माइनस वन बी एन माइनस टू, ये डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये क्या है ये है मीन्स इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो सिज़ारोस थ्योरम है वो अप्लाई करना पड़ेगा। देखो सिज़ारोस थ्योरम क्या है, अगर ए एन एंड बी एन अगर ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सपोज ये एल पे कन्वर्ज कर रहा है एंड बी एन जो है वो एल डैश पे कन्वर्ज कर रहा है, तो सी एन जो सीक्वेंस होगा ए वन ए टू ए वन इंटू बी एन ए टू इंटू बी एन माइनस वन ए थ्री इंटू बी एन माइनस टू अप टू ए एन इंटू बी एन बाई एन, ये कन्वर्ज करेगा ये जो सी एन है वो कन्वर्ज करेगा एल इंटू एल डैश पे,
ओके अच्छा, तो यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू क्या दिया गया है, वन माइनस साइन वन बाई एन। तो ए एन कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, आप एन के जगह इन्फिनिटी रखो तो होगा वन बाई इन्फिनिटी मीन्स जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ए एन इक्वल्स टू होगा वन। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा ए एन कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, वन पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा अब बी एन कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो वन बाई इन्फिनिटी मीन्स जीरो, तो कॉस जीरो इक्वल्स टू क्या होगा वन। तो बी एन भी, बी एन का भी लिमिट है वन, ए एन का भी लिमिट है वन, तो सी एन जो है, सी एन का लिमिट क्या होगा, सी एन जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो सी एन इक्वल्स टू होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो इक्वल्स टू वन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।